हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपके लिए फ्रेंड्स सभी एग्जाम्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण जीके जीएस करंट अफेयर के टॉप एमसीक्यूज की सीरीज लेकर तैयार हैं, जो आपके हर एक क्वेश्चन एग्जाम जिनका भी फ्रेंड्स यहां पर वर्णन किया गया, चाहे वो आपका सेंटर से बिलोंग करता हो चाहे स्टेट से, आपको हर जगह पर इसका फायदा मिलने वाला है। साथ ही फ्रेंड्स, हमारी क्लासेस का टाइम टेबल आपके स्क्रीन के ऊपर है, आप इसे स्क्रीनशॉट कर लेंगे। 9518151414 मेरा व्हाट्सअप नंबर है, YSP लाइव क्लास सर्च कर लें और आप सर्च करके क्लास में पहुंच सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लें। यदि आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। यस फ्रेंड्स, आंसर कीजिएगा, भोजन का अनिवार्य अवयव है। आपसे बेटा क्या पूछा गया है, भोजन का अनिवार्य अवयव है ऑप्शन नंबर डी कार्बोहाइड्रेट। भोजन का अनिवार्य अवयव है ऑप्शन नंबर डी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है। जी हाँ दोस्तों, आंसर कीजिएगा कि कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक आइस हॉकी है, जो कनाडा का राष्ट्रीय खेल है ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके लिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई। आपको फ्रेंड्स क्या बताना है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीन, 1985 के अंदर द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर तीन राइट आंसर हो जाएगा। इंटरपोल से तात्पर्य है, आपको फ्रेंड्स क्या बताना है कि इंटरपोल से तात्पर्य है तो इंटरनेशनल पुलिस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इंटरपोल से तात्पर्य क्या होता है, इंटरनेशनल पुलिस राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीन। नेक्स्ट है आपके लिए, आपसे फ्रेंड्स क्या पूछा गया, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर एक 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, आपका बेटा ऑप्शन नंबर क्या 5 जून राइट आंसर हो जाएगा। सभी फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट वन है आपके लिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। गौर से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। साथ ही साथ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। क्या था, पशुपालन, आप राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपके लिए, जियो और जीने दो किसने कहा। आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है, आपको क्या पूछा गया है, जियो और जीने दो का नारा किसने दिया था, या फिर आपने बताना है कि जियो और जीने दो किसने कहा था, तो ऑप्शन नंबर यहां पर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, महावीर स्वामी। नेक्स्ट है आपके लिए, संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप है। संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया महाद्वीप है, जो संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है, आपका बेटा ऑप्शन नंबर तीन राइट आंसर हो जाएगा। कणव वंश का संस्थापक कौन था, कणव या फिर कणव वंश का संस्थापक कौन था, तो आपका बेटा ऑप्शन नंबर एक वासुदेव। कणव या फिर कणव वंश का संस्थापक था ऑप्शन नंबर एक वासुदेव, राइट आंसर हो जाएगा। सभी फ्रेंड्स याद रखिएगा ऑप्शन नंबर एक। नेक्स्ट है आपके लिए, तोलका पीएम ग्रंथ संबंधित है। आपसे बेटा क्या पूछा गया है कि तोलका पीएम ग्रंथ संबंधित है ऑप्शन नंबर तीन व्याकरण और काव्य से। तोलका पीएम किससे रिलेट करता है, एक तो आपका व्याकरण से और दूसरा आपका काव्य से, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन आपके लिए, फयान कहाँ का निवासी था। आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है, फयान कहाँ का निवासी था, फटाफट से दीजिएगा आंसर। जो फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हैं उनको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि फ्रेंड्स आपके पास सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन पहुंच जाए और सभी दोस्त याद रखेंगे फयान कहाँ का निवासी था, ऑप्शन नंबर तीन चीन देश का निवासी था। कहाँ का निवासी था, चीन देश का निवासी था, आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर तीन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके लिए, आपसे फ्रेंड्स क्या पूछा गया है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। हितोपदेश के लेखक हैं, आपसे फ्रेंड्स पूछा गया है हितोपदेश के लेखक हैं, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहां पर फ्रेंड्स आपका नारायण पंडित। हितोपदेश के लेखक कौन है, नारायण पंडित है, ऑप्शन नंबर तीन नारायण पंडित आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी फ्रेंड्स याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए फ्रेंड्स, आपसे पूछा गया अंकोर वाट कहाँ स्थित है। आपको बेटा क्या बताना है, अंकोर वाट कहाँ स्थित है, अंकोर वाट स्थित है आपका कंबोडिया में, ऑप्शन नंबर डी कंबोडिया राइट आंसर हो जाएगा। सभी फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट वन है आपके लिए, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी। आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है, गौर से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ठट्टा। ठट्टा करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका फ्रेंड्स
थट्टा के अंदर क्या हुई थी, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई थी कब, 20 मार्च 1351 को, 20 मार्च 1351 को मोहम्मद बिन तुगलक की क्या हुई थी मृत्यु, कहाँ थट्टा कहाँ पर है, पाकिस्तान के अंदर से थे, इस बात को भी आप याद रख लेंगे, ठीक है ना। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु थट्टा पाकिस्तान के अंदर हुई थी कब, 20 मार्च 1351 को, आपका फ्रेंड्स 20 मार्च 1351 को मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु थट्टा पाकिस्तान के अंदर हुई थी। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यहाँ पर पूछा गया रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था, तो ऑप्शन नंबर एक तुर्कों का था, आपका बेटा ऑप्शन नंबर एक तुर्क राइट आंसर हो जाएगा। बहमनी समाज की स्थापना किसने की थी, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। बहमनी समाज की स्थापना किसने की थी, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। फटाफट से दीजिएगा आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर, बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बहुत अच्छी आपकी तैयारी है। तो बहमनी समाज की स्थापना की थी आपके बेटा अलाउद्दीन हसन बहमान शाह ने, किसने की थी, अलाउद्दीन हसन बहमान शाह ने की थी, आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे, फटाफट से दीजिएगा आंसर। गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे, तो गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे ऑप्शन नंबर बी हरदयाल, आपका फ्रेंड्स हरदयाल करेक्ट आंसर। लाला हरदयाल जी के द्वारा सैन फ्रांसिस्को में क्या की गई थी, गदर पार्टी की स्थापना की गई थी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है, तो आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर तीन बहुदलीय, बहुदलीय व्यवस्था है किसकी, आपकी भारत में दलीय व्यवस्था, ऑप्शन नंबर तीन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके लिए प्रच्छन्न बेरोजगारी की एक विशेषता है, जी हाँ दोस्तों आंसर कीजिएगा कि प्रच्छन्न बेरोजगारी की एक विशेषता होती है, ऑप्शन नंबर क्या, प्रच्छन्न बेरोजगारी की एक विशेषता कृषि की होती है, ऑप्शन नंबर तीन कृषि की राइट आंसर हो जाएगा। सभी फ्रेंड्स याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। दुर्गा इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया, दुर्गा इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जो फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि फ्रेंड्स आपके पास सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन वक्त पर पहुंच जाए, आपका फ्रेंड्स कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो। और यहाँ पर फ्रेंड्स आप सभी याद रखेंगे दुर्गा इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया, ऑप्शन नंबर तीन ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था, ऑप्शन नंबर तीन राइट आंसर हो जाएगा। हरित क्रांति के दौरान मोटे अनाजों और दलहन का उत्पादन, हरित क्रांति के दौरान मोटे अनाजों और दलहन का उत्पादन आपका घटा था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके लिए कोंकण रेलवे जोड़ता है, जी हाँ दोस्तों आंसर कीजिएगा कि कोंकण रेलवे जोड़ता है। यदि फ्रेंड्स आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि फ्रेंड्स वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और कोंकण रेलवे जोड़ता है आपका बेटा मंगलुरु से कोची को, ऑप्शन नंबर तीन राइट आंसर हो जाएगा। मंगलुरु से कोची को कौन जोड़ने का काम करता है, कोंकण रेलवे जोड़ने का काम करता है, आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर तीन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन है आपके लिए भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, जी हाँ दोस्तों आंसर कीजिएगा भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है ऑप्शन नंबर बी मुंबई बंदरगाह, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, आपका बेटा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके लिए आपसे फ्रेंड्स पूछा गया है तोता ए हिंद के नाम से किसे जाना जाता है, आपको फ्रेंड्स बताना है तोता ए हिंद के नाम से किसे जाना जाता है, तो अमीर खुसरो जी को तोता ए हिंद के नाम से जाना जाता है, आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर भारतीय नृत्य है, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर भारतीय नृत्य है, उत्तर भारतीय नृत्य में आता है आपका कथक, जो उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, आपका फ्रेंड्स उत्तर भारत का एक प्रमुख नृत्य कौन सा है, कथक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भंगड़ा कहाँ का नृत्य है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। भंगड़ा कहाँ का नृत्य है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है, तो भंगड़ा नृत्य है आपका पंजाब का, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। भंगड़ा गिद्धा ये कहाँ पर होते हैं, पंजाब के प्रमुख नृत्य है, राजस्थान में आपका घूमर और आपका फ्रेंड्स हरियाणा के अंदर लूर नृत्य होता है, तो ऑप्शन नंबर डी पंजाब राइट आंसर हो जाएगा। सभी फ्रेंड्स याद रखिएगा ल्यूमेन किसका मात्रक है, फटाफट से दीजिएगा आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ल्यूमेन किसका मात्रक है, तो ल्यूमेन मात्रक होता है आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी ज्योति फ्लस का। ल्यूमेन किसका मात्रक होता है, ज्योति फ्लस का, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है आपके लिए फ्रेंड्स, आपसे पूछा गया है, आपको फ्रेंड्स बताना है न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं, न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं आपका बेटा जड़ताव का नियम या फिर लॉ ऑफ इनर्शिया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके लिए पास्कल इकाई है, आपसे फ्रेंड्स पूछा गया है पास्कल इकाई है किसकी, ऑप्शन नंबर बी दाब की, प्रेशर की, आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पास्कल इकाई है किसकी, दाब की, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके लिए आपसे फ्रेंड्स क्या पूछा गया, प्रकाश वर्षे किस प्रकार की तरंग है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंग है, ऑप्शन नंबर एक अनुप्रस्थ तरंग है, प्रकाश तरंग ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाए। फ्रेंड्स ये था आज का सेशन, कैसा लगा आपको सेशन फटाफट से कमेंट कर दीजिए। जो फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हैं उनको सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि फ्रेंड्स आपके पास सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन वक्त पर पहुंच जाए, आपका फ्रेंड्स को नोटिफिकेशन मिस ना हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9518151414, YSP लाइव क्लास सर्च करके क्लास में आ जाए करें ताकि फ्रेंड्स आप सभी क्लासेस का भरपूर फायदा उठा सकें। थैंक यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।